हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूँ चंदन कुमार और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन देख रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड। रेलवे ग्रुप डी का जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नोटिस, देखिए, ऑब्जेक्शन ट्रैकर फोर CBT अगेंस्ट CN 2/2080 Level 1 पोस्ट पर 7 CPC, क्लिक हेयर टू रेज योर ऑब्जेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि आपका जो आंसर की है वो जारी हो गया है, तो आप इस आंसर की को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे मैच कर पाएंगे, चलिए मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप सीधे अपने आंसर की के पास पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट, देखिए इस पर डेट दी हुई कि आपके रिजल्ट जो है वो 11, यानी कि आज ही 9 बजे घोषित हुई है। और उसके आगे दिया गया कि आप जो ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन के ऊपर, और आप अपना ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का फी जो पेमेंट है वो कर पाएंगे 14/1 तक, यानी कि 14 जनवरी तक आप अपना ऑब्जेक्शन जो है रेज कर पाएंगे। और ऑब्जेक्शन अगर आपने पेमेंट, जैसे ऑब्जेक्शन कर रखा पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट की विंडो जो है 19/11 तक रही, यानी कि आप अपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन जो है 14/11 तक उठा सकते हैं, लेकिन आपको 2-3 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो आप पेमेंट करने के लिए मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक रेलवे ग्रुप डी वालों ने एक बहुत गलत चीज़ कर दिया। आपको एक ऑब्जेक्शन उठाने के लिए एक क्वेश्चन के ऊपर ₹50 देने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो एक इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, जो कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते समय आपने जाना होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल कीजिएगा। आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे इस तरह से डालिएगा। पहले आपको जन्म की तारीख डालनी है, महीना और साल डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये ध्यान रखिएगा, छोटा है तो छोटा लिखिए, जैसे ये के छोटा है, आई छोटा है, जे छोटा है, ये अगर छोटा होगा छोटा लिखिएगा, बड़ा होगा तो बड़ा लिखिएगा। यहाँ पे डालने के बाद लॉगिन कर दीजिएगा, आपका जो आंसर की है वो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको मैच कर से करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक दिक्कत भी आ सकती है, लॉगिन करने के बाद हो सकता है आपको इस तरह का एरर आए, क्योंकि इस समय जो रेलवे ग्रुप डी का वेबसाइट है उस पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो इस वजह से इस तरह का एरर आया, तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपका पेज है थोड़ी देर बाद खुल जाएगा, आप इसको रिफ्रेश करते रहिएगा। तो चलिए, और एक बात और बता दूं कि सभी जोनों का जो आंसर कि आप किसी भी जोन से अगर इस जगह पे पहुंच जाते हैं, सभी जोनों के लिए एक एक ही लिंक है, तो उसके लिए तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। मैंने एक पर्टिकुलर लिंक डाल दिया, वहाँ से आप सभी जोनों का आंसर की देख पाएंगे। तो चलिए, अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि आपको आंसर की कैसे देखना है। दोस्तों, आपका आंसर की इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, जो सही आंसर होता है, जो रेलवे ग्रुप डी के जो बोर्ड है उनका मानना है कि ये आंसर सही है, जो आंसर सही है उसके आगे ग्रीन से टिक किया हुआ मिलेगा। तो ये जो ग्रीन से टिक किया हुआ है वो सही आंसर है, और आपका जवाब सही है कि नहीं है ये देखने के लिए आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया होगा। जैसे आपने ऑप्शन 1 चूज किया था जो कि गलत है, ऑप्शन 3 होता वो सही होता, तो आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा। और आप देखिएगा कि टोटल अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपने टोटल जो काउंट किए होंगे अपने सही क्वेश्चन जो आपने सही चूज किया होगा और यहाँ भी सही लग रहा होगा, तो उसमें से 1 घटा लीजिएगा। तो इस तरह से आप टोटल काउंट कर लीजिएगा, आपका नंबर बन जाएगा। अगर आपका मार्क्स जो है 50 से अगर ऊपर जाता है, तो आप बिल्कुल PET की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका 100% जॉब जो है होने वाला है रेलवे ग्रुप डी में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें सब्सक्राइब करके बता दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग को भी उनके आंसर की के बारे में जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार, आपका दिन शुभ रहे।